वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कंपैरिजन करके जैसे कि रेडमी नोट 8 प्रो का वर्सेस यहाँ पे आप देख सकते हो पोको F1, जो कि यहाँ पे पोको F1 स्नैपड्रैगन 845 के साथ आता है। और यहाँ पे जो है रेडमी नोट 8 प्रो जो है यहाँ पे न्यूली लॉन्च है, जो कि यहाँ पे हीलियो जैसे कि मीडियाटेक का आपको यहाँ पे प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जैसे कि हीलियो G90T आपको यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, रैम मैनेजमेंट कैसा है, गेमिंग का कैसा आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, फर्स्ट यहाँ पे जो है एप्लीकेशन कौन सा ओपन होता है, यहाँ पे आपको रैम में कौन सा एप्लीकेशन रहता है। तो यहाँ पे पोको F1 अभी तक लीड में है कि यहाँ पे जो है रेडमी नोट 8 प्रो जो है पोको F1 को यहाँ पे पीछे छोड़ चुका है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर लूँ वीडियो को, तो यहाँ पे देख सकते हो एंटीटू बेंचमार्क स्कोर, और यहाँ पे आप देख सकते हो एंटीडो बेंच मार्क स्कोर जो कि यहाँ पे आपको 287,000 देखने को मिल जाता है यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो में। और यहाँ पे पोको F1 में आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि 353,000 जो कि यहाँ पे आपको एंटीडो बेंच मार्क स्कोर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे मैं बात कर लूँ जो कि MIUI वर्जन की, आपको यहाँ पे दोनों में क्या क्या देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट मिल जाता है पोको F1 में जो कि एंड्रॉयड 10 मिल जाता है। आपको यहाँ पे देख सकते हो 11.0.4.0 का वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है पोको F1 में, सेम वर्जन देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपको रेडमी नोट 8 प्रो में भी 11.0.4.0 का, लेकिन यहाँ पे आपको एंड्रॉयड जो वर्जन मिल जाता है आपको यहाँ पे एंड्रॉयड 9 प्राइम मिल जाता है। पोको F1 में जो है यहाँ पे आपको जनवरी का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, एंड्रॉयड 10 मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे आपको रेडमी नोट 8 प्रो में जो है 1 दिसंबर का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, एंड्रॉयड 9 मिल जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे स्पीड टेस्ट करके जैसे कि कंपेरिजन करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट जो है यहाँ पे सभी रैम को क्लीन कर लेता हूँ, जो कि आप देख सकते हो सभी को एक बार क्लीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट से ओपन कर लेता हूँ, फिर जो रैम में रहेगा उसके बारे में भी यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं जो डिवाइस को यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ, दोनों सेम वाईफाई से यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो वाईफाई से कनेक्ट कर चुका हूँ, दोनों सेम वाईफाई से यहाँ पे कनेक्टेड है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट करके बता देता हूँ, जैसे कि ओके रैम को यहाँ पे पूरा क्लीन कर लेता हूँ। तो ओके आ चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट यहाँ पे मैं एंटीडो बेंचमार्क्स ओपन कर लेता हूँ 1 2 3। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट कौन सा ओपन होगा, तो ओके आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कौन सा यहाँ पे फर्स्ट है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं होम बटन प्रेस कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं प्ले स्टोर ओपन करूँगा 1 2 3। तो यहाँ से यहाँ पे देख सकते हो पोको F1 में थोड़ा यहाँ पे लोड जो है जैसे कि जल्दी हो चुका है। उसके बाद जो है कैंडी क्रश यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ 1 2 3। ओके रेडमी नोट 8 प्रो में यहाँ पे फर्स्ट ओपन जैसे कि बूट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो रेडमी नोट 8 प्रो में जो है फर्स्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसके बाद फ्लिपकार्ट, तो ओके पोको F1 में यहाँ पे फर्स्ट लोड हो चुका है। उसके बाद जो है लूडो, तो ओके रेडमी नोट 8 प्रो में जो है रेडमी नोट 8 प्रो में फर्स्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे सबवे 1 2 3। तो यहाँ पे जो है गेम जो है फर्स्ट यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो में लोड हो रहा है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जैसे कि ओके। तो उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ एसफॉल्ट 9। तो पोको F1 में देख सकते हो अभी तक यहाँ पे लोड होने में ही है। तो ओके तो इसको प्रेस कर लेता हूँ ओके। तो पोको F1 में थोड़ा लेट ही हो रहा है गेम ओपन, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे मैं होम प्रेस कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं सेटिंग्स ओपन करता हूँ 1 2 3। तो देख सकते हो रेडमी नोट 8 प्रो में जो है फर्स्ट ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं पबजी ओपन कर लेता हूँ 1 2 3। दोनों में जो है गेम टर्बो का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको गेम जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आप यहाँ पे प्ले कर पाओगे। यहाँ पे मैं रेडमी नोट 8 प्रो में आज फुल डे यहाँ पे पबजी प्ले किया, तो यहाँ पे आपको कोई भी लैग या फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ग्राफिक सेटिंग की भी बात कर लेता हूँ, दोनों में आपको यहाँ पे क्या ग्राफिक सेटिंग देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो पबजी जो है फर्स्ट यहाँ पे रेडमी ओके। तो पोको F1 में आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट ओपन हो चुका है जैसे कि देख सकते हो। तो आपको पता चल गया होगा फर्स्ट कौन सा यहाँ पे पबजी को ओपन कर चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको क्लोज
तो यहाँ पे देख सकते हो मैं आपको ग्राफिक सेटिंग बता देता हूँ जिससे कि दोनों में। तो यहाँ पे आपको पोको एफ1 में जो है स्मूथ के साथ एक्सट्रीम मिल जाता है, दोनों में सेम मिल जाता है। स्मूथ के साथ एक्सट्रीम में आप यहाँ पे प्ले कर पाओगे, उसके बाद जो HDR के साथ आप यहाँ पे अल्ट्रा का सपोर्ट मिल जाता है, तो दोनों का ग्राफिक सेटिंग सेम मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं फेसबुक ओपन करता हूँ 1 2 3। तो रेडमी नोट 8 प्रो में जो है फर्स्ट यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद जो है MI स्टोर, तो रेडमी नोट 8 प्रो में यहाँ पे फर्स्ट ओपन हुआ, उसके बाद जो है कॉल, ओके रेडमी नोट 8 प्रो में यहाँ पे फर्स्ट ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्रोम, रेडमी नोट 8 प्रो में यहाँ पे फर्स्ट ओपन हुआ, उसके बाद यूट्यूब, ओके रेडमी नोट 8 प्रो में यहाँ पे फर्स्ट ओपन हुआ, उसके बाद टेम्पल रन। दोनों 6GB रैम वेरिएंट है, यहाँ पे आपको कोई भी रैम में चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ओपन हो चुका है रेडमी नोट 8 प्रो में ही। तो यहाँ पे आपको रैम चेंजेस कोई भी नहीं है, जैसे कि आपको यहाँ पे रोम भी सेम मिलता है, रैम भी सेम मिलता है। जैसे कि आपको यहाँ पे रोम मिल जाता है 64GB, यहाँ पे आपको रैम मिल जाता है 6GB रैम। जैसे कि 6GB रैम डिवाइस है दोनों, आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको डाउट ना हो। अबाउट फ़ोन में ऑल स्पेक्स यहाँ पे आप देख सकते हो 6GB और 64GB। तो यहाँ पे देख सकते हो 64GB दोनों सेम है डिवाइस, यहाँ पे रैम ज़्यादा कुछ कम ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, रैम टेस्ट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सभी रैम में है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो रीलोड हो रहा है, जैसे कि ओके ओपन हो चुका है। उसके बाद प्ले स्टोर, ओके दोनों रैम में है प्ले स्टोर। उसके बाद कैंडी क्रश जो यहाँ पे रीलोड हो रहा है, तो फर्स्ट यहाँ पे लोड ले चुका है जैसे कि रेडमी नोट 8 प्रो। उसके बाद यहाँ पे ओके फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट भी फर्स्ट ओपन हुआ जैसे कि रेडमी नोट 8 प्रो में। उसके बाद जो है लूडो भी यहाँ पे रीलोड हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके बाद जो है सबवे भी यहाँ पे रीलोड हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो रीलोड होने के बाद भी यहाँ पे जो है फर्स्ट बूट हो चुका है, तो फर्स्ट बूट यहाँ पे जो है रेडमी नोट 8 प्रो में ही हो रहा है। तो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके ये रैम में है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी तक रैम मैनेजमेंट दोनों का सेम ही चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यूट्यूब को, तो ओके ये भी रैम में है। उसके बाद क्रोम, ओके क्रोम भी रैम में है लेकिन यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो में यहाँ पे रीलोड हुआ। उसके बाद कॉल, ये भी रैम में है लेकिन रेडमी नोट 8 प्रो में यहाँ पे रीलोड हुआ। उसके बाद MI स्टोर, पोको एफ1 में है लेकिन यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो में रीलोड हुआ। उसके बाद फेसबुक, तो ओके दोनों में, जैसे कि दोनों डिवाइसेस में यहाँ पे रैम जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छा है। उसके बाद पबजी ओपन कर लेता हूँ, शायद किसी में रीलोड हो जाए। ओके पोको एफ1 में अभी तक यहाँ पे रैम में है जैसे कि पबजी, और इसके अंदर यहाँ पे रीलोड हो रहा है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो है बिग आपको यहाँ पे चेंजेस मिलने देखने को मिल जाता है, जो कि पोको एफ1 एक्चुअल में यहाँ पे बेटर फॉर्म ऑफ परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे कंपेयर करो, जो कि प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिल जाता है MediaTek से, यहाँ पे पावरफुल आपको यहाँ पे Snapdragon ही देखने को मिल जाता है, जो कि Snapdragon यहाँ पे आपको 845 मिल जाता है आपको यहाँ पे, और 6GB रैम 64GB रोम मिल जाता है। एक्चुअल में इसका प्राइस अभी जैसे कि 15,000 हो चुका है, 15,000 में आपको यहाँ पे एक्चुअल में 6GB रैम 128GB का स्टोरेज का वेरियंट मिल जाता है। ये जो है 14,000 रुपीज़ में आपको अमेजोन में मिल जाएगा, जो कि अभी जो है डिस्काउंट मिल रहा है 1,000 रुपीज़। तो यहाँ पे दोनों में से एक आप ले सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे अच्छा डिस्प्ले चाहते हो तो बेशक आप इसको चूज़ कर सकते हो, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ आ जाता है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे अच्छा बैटरी बैकअप होना तो आप यहाँ पे जा सकते हो रेडमी नोट 8 प्रो के साथ। उसके बाद जो आपको यहाँ पे अच्छा कैमरा होना तो आप रेडमी नोट 8 प्रो ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे पोको एफ1 में जो है आपको यहाँ पे अभी भी पोको एफ1 बेस्ट है, लेकिन जो है स्पेक्स के कारण इसका जो है यहाँ पे आपको कम देखने को मिल जाता है, जो कि स्पेसिफिकेशन इसके अंदर आपको यहाँ पे कम
देखने को मिलता है, लेकिन जो है स्पेसिफिकेशन इसके अंदर आपको यहाँ पे ज़्यादा है। और यहाँ पे जो है प्रोसेसर का जो एंड्रॉयड बेंचमार्क स्कोर है आप यहाँ पे देख ही चुके हो, जो कि स्कोर आपको यहाँ पे Redmi Note 8 Pro में कम देखने को मिलता है। जो परफॉर्मेंस है एक्चुअल में यहाँ पे इसके अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जो कि स्नैपड्रैगन 845 है, एक्चुअल पे आपको बेटर ही परफॉर्म करेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एसफॉल्ट तो ओपन नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं कैंडी क्रश को ओपन करके और एक बार देख लेता हूँ। ओके, इसके अंदर जो है अभी तक फाइल में है, लेकिन यहाँ पे सभी जो है रीलोड हो रहा है। तो फ्यूचर अपडेट में जो है यहाँ पे रैम मैनेजमेंट को शायद सुधारा जाएगा, जो कि यहाँ पे रैम में जो है थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। लेकिन जो है ऐप्स जो है ओपन करने टाइम पे जो है फर्स्ट Redmi Note 8 Pro ही यहाँ पे ओपन करता है, लेकिन यहाँ पे रैम मैनेजमेंट में जो है पोको एफ फोन जो है बेटर परफॉर्म करता है। यहाँ पे आपको रैम मैनेजमेंट अच्छा ही देखने को मिल जाता है पोको एफ फोन में। उसके बाद यहाँ पे मैं टेम्पल रन टू, यहाँ पे आपको इनबिल्ड मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको लोड होते हुए देख सकते हो, जैसे कि लोड हो रहा है। यहाँ पे Redmi Note 8 Pro का यहाँ पे रैम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आप यहाँ पे आंखों से देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे और एक बार PUBG ओपन कर लेता हूँ, तो एक्चुअल में PUBG यहाँ पे दोनों में अभी तक है। उसके बाद यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ प्ले स्टोर। ओके, प्ले स्टोर भी है दोनों फ़ोन में। यहाँ पे मैं लूडो प्ले करता हूँ, तो इसके अंदर अभी तक है, लेकिन यहाँ पे रीलोड हो रहा है। तो रैम मैनेजमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि Redmi Note 8 Pro का। यहाँ पे मैं चेंजेस की बात कर लूँ तो इन दोनों डिवाइसेस में आपको यहाँ पे क्या चेंज मिलता है, और यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों का भी यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो फिंगरप्रिंट मैं यहाँ पे टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो फेस अनलॉक फर्स्ट यहाँ पे मैं टेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3, ओके, और एक बार टेस्ट करता हूँ 1 2 3। एक्चुअल में दोनों एक ही टाइम यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो फिंगरप्रिंट टेस्ट करके बता देता हूँ, जैसे कि 1 2 3, थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि फिंगरप्रिंट में आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट फास्ट देखने को मिल जाता है Redmi Note 8 Pro में, यहाँ पे आपको बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको बेजल्स भी बहुत कम देखने को मिल जाता है Redmi Note 8 Pro में, जो कि यहाँ पे आपको इनबिल्ट एलेक्सा मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे एलेक्सा को। तो एक बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हो एक लेटेस्ट डिवाइस, तो आप जो है Redmi Note 8 Pro के साथ जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक्चुअल में पोको एफ फोन को यहाँ पे मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन पोको एफ फोन जो है ओल्ड डिवाइस है, इसके कारण यहाँ पे आपको स्क्रीन जो है छोटा ही देखने को मिल जाएगा, बैटरी बैकअप आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन गोरिल्ला स्पाई का नहीं मिलता है। जो डिस्प्ले क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों में क्या चेंजेस है, तो यहाँ पे जो है लेटेस्ट आपको यहाँ पे चार जैसे कि AI क्वाड कैमरा भी मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल आपको यहाँ पे प्राइमरी सेंसर भी मिल जाता है। तो आप बेशक जो है Redmi Note 8 Pro को परचेज कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं प्रीफर करूँगा दोनों में से एक फ़ोन, तो Redmi Note 8 Pro यहाँ पे मैं प्रीफर करूँगा, जो कि यहाँ पे मैं दोनों फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। PUBG के बारे में यहाँ पे कंप्लेंट आपको दोनों फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा, आप बेशक आप दोनों फ़ोन में जो है PUBG अच्छा ही प्ले कर पाओगे, आपको कोई भी कंप्लेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास कोई एक डिवाइस जैसे कि पोको एफ फोन या फिर Redmi Note 8 Pro, तो आपको कोई भी रिलेटेड वीडियो होना तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसके रिलेटेड यहाँ पे भी वीडियो लेके आऊँगा। और जैसे कि यहाँ पे मैं पोको एफ फोन का एंड्रॉयड 10 अपडेट के बारे में यहाँ पे वीडियो बता चुका हूँ, अगर आपको वीडियो जैसे कि एंड्रॉयड 10 अपडेट करना है तो बेशक आप जाके कर सकते हो, जैसे कि उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।